Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नियाजी साहब का तख्ता उलट चुका है। वो अपनी काबिलियत बताएं, अपने मुंह में मिठू ना भरें। जस्टिस वजीरा और दीगर एमएनएस मेरी कयादत में आने को तैयार हैं। इंतखाबी कवानीन में डोप टेस्ट भी होना चाहिए। मनशियात के आदि अफराद को पार्टी कयादत नहीं मिलनी चाहिए। धरनों में खैबर पख्तूनख्वा का पैसा इस्तेमाल हुआ। लाहौर में लैंड माफिया का एक ही आदमी से मिला हुआ है शख्स, कैसे नया पाकिस्तान बनाएगा। आयशा गुललई इलेक्शन कमीशन के बाहर इमरान खान पर बरस पड़े। 120 में केपीके के अवाम का पैसा पानी की तरह लगाया गया, उसी तरह लगाया गया जिस तरह नियाजी साहब के धरनों में केपीके के सरकारी वसाइल और सरकारी गाड़ियां और केपीके के अवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया। गुललईना अहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वकील से रेफरेंस से मुतालिक दस्तावेजात तलब कर ली। समाज 26 सितंबर तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेज में पहली पेशी पर शरीफ फैमिली गैर हाजिर। एहतसाब अदालत ने दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि सिक्योरिटी अफसर ने मुलजमान के समन वसूल किए और बताया कि हसन हुसैन नवाज ने समन वसूल ना करने की हिदायत दी है। आइंदा समन सिक्योरिटी इंचार्ज को देकर जान नहीं छुड़ाई, ये क्रिमिनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं। हमने लीगल प्रोसेस चलाना है, वरना अदालती कार्रवाई तो मीडिया वाले भी बता देते हैं। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर आसिफ करमानी को तमाम मुलजमान को अदालती समन से आगाह करने की हिदायत। समाज 26 सितंबर तक मुलतवी। हसन हुसैन नवाज रायबन के रिहायशी नहीं। जज साहब को आगाह किया है कि कुलसूम नवाज लंदन में जेरे इलाज हैं। ये नहीं बता सकता कि कुलसूम नवाज और उनकी फैमिली कब वतन वापस आएंगी। जिन लोगों के बारे में अदालत ने कहा उन्हें इतला दे दूंगा। आसिफ किरमानी की मीडिया से गुफ्तगू। आजकल में एक तीसरी सर्जरी भी मुतवक्को है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कब आएंगी या कब ये वो आ सकते हैं। इस बारे में मैं कोई श्योरिटी से बात नहीं कर सकता। पूरे मुल्क को इल्म है नवाज शरीफ का खानदान कहाँ रहता है। आसिफ किरमानी ने अदलिया से गलत बयानी की, झूठ बोलने पर गिरफ्तार किया जाए, फवाद चौधरी की तकरीर। आयशा बवानी कॉलेज के ट्रस्टीज की हठधर्मी खत्म ना हुई। पांचवें रोज भी कॉलेज खुलने ना दिया, न वजीर आला का हुक्म मान रहे हैं न सिंध हाई कोर्ट का। तलबा आज भी क्लासेस के बजाय सड़क पर बैठने पर मजबूर। सिंध हाई कोर्ट में ट्रस्टीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। तानिया खासखेली कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए। सिंध हाई कोर्ट में लवाहिकीन का मुतालबा, शादी से इनकार पर तानिया को वडेरे ने कत्ल कर दिया था। We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. पाकिस्तान के ख्याल में अमन कायम करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं अमरीकी इंतजामिया से। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अम चाहता है, मगर कयाम अम के लिए हमारा फलसफा अमरीका से मुख्तलिफ है। जंग से अम कायम नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर ने खुद वजीर आजम से मुलाकात की, दरख्वास्त की है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए इस बार भी जनरल असेंबली में मजबूत आवाज उठाएंगे। अकवाम मुत्तहदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी की आज न्यूज से बातचीत। जाहिर चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और पाकिस्तान के ख्याल में अमन कायम करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ हैं अमरीकी इंतजामिया से। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अकवामी मुत्तहदा के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। 21 सितंबर को खिताब करेंगे। वजीर आजम से वाइस प्रेसिडेंट जनरल इलेक्ट्रिक जॉन राइस की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी के लिए खुश आमदीद कहेंगे। जॉन राइस बोले कि पाकिस्तान में कारोबार वसीह करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी नायब सदर भी आज शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करेंगे।
अफगानिस्तान में अमन के लिए सहूलतकारी करते रहेंगे। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की न्यूयॉर्क में अमरीकी हमनसब से गुफ्तगू। ट्रंप की अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान का मौकिफ वाज़ेह किया। अफगान नायब वजीर खारजा से मुलाकात में तहमीना जंजुआ ने कहा कि अफगान मसला फौजी ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता, तआवुन मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हिकमत करज़ई बोले, अफगान हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हर सतह पर दो तरफा राबते जरूरी हैं। वज़ीर ख़ारजा ख़ाजा आसिफ के न्यूयॉर्क में अरब रियासतों के सेक्रेटरी जनरल, किर्गिस्तान, बोत्सवाना और नामीबिया के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। मसला कश्मीर और फलस्तीन पर गुफ्तगू, बाहमी तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने ख़ाजा आसिफ से कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तहरीक इंसाफ ने हैदराबाद में मोर्चा लगा लिया। कप्तान कारकुनों का लहू गरमाएंगे, जलसा गाह में इंतजाम जारी। इमरान खान की आमद 2 बजे तक मुतवक्के। नन्हे फूलों को पोलियो से बचाना है, माजूरी से पाक पाकिस्तान बनाना है। मुल्क भर में हजारों रजाकार आज दूसरे रोज भी बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ। ऑयल टैंकर्स की हालत ना सुधरी, नवाबशाह और सादिकाबाद में 2 ऑयल टैंकर्स उलट गए। बड़ी मकदार में तेल बहकर जाया हो गया। बर वक्त हिफाजती इकदाम के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीन और भारत के दरमियान अब पानी पर तनाजा खड़ा हो गया। मॉनसून सीजन में चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर पानी के बहाव और दीगर मालूमात शेयर नहीं की। भारत का इल्जाम, सिस्टम अपग्रेड करने की वजह से अदाद शुमार का तबादला नहीं किया। चीन का मौकिफ। रोहिंग्या मुसलमानों के इनकलाब पर तशवीश है, अब भी कई देहात में रोहिंग्या मौजूद हैं। आलमी सतह पर तहकीकात से कोई डर नहीं, इंसानी हुकूक की पामाली की मुजम्मत करते हैं। म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची का कौम से खिताब। खुफिया नान को रखाइन में जारी बहरान खत्म करने के लिए कमीशन की कयादत करने की भी पेशकश कर दी।